हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। हालांकि जो चैनल का नेम है वो चेंज हो चुका है, लर्न इजी विद हरबीर सिंह की जगह अब आपको ये स्टडी 24 ऑफिशियल देखने को मिलेगा। अगर लर्न इजी विद हरबीर सिंह के नेम से कोई दूसरा चैनल हो तो वो वैलिड नहीं होगा, ये चैनल होगा और इस पे ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जनवरी 2019 को मीटिंग हुई थी 9000 न्यू वैकेंसीज को लेके, तो सभी के माइंड में क्वेश्चन था कि क्या रहा उस मीटिंग में। तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे जब तक पूरी सच्चाई पता नहीं चलती तो मैं नहीं बताता। तो मुझे जो अभी पूरी सच्चाई वहां से पता चली है मैं आपको बता देता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नेहरू पार्क में जींद में जो साथी थे, जेबीटी पास साथी थे, वो वहां पे इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने वहां जाकर मीटिंग करी थी। इसके बाद वो रामविलास शर्मा जी हैं, उनसे मिले थे। तो रामविलास शर्मा जी को उन्होंने अपनी पूरी बात बताई और कुछ अन्य ऑफिसर भी थे, उनसे भी उन्होंने मीटिंग करी थी। तो रामविलास शर्मा जी को उन्होंने सारी चीजें बताई कि सर, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इतना टाइम हो गया है और जो एस्टेट है उसकी वैलिडिटी भी खत्म होने वाली है, ये क्या हो रहा है। तो रामविलास शर्मा जी ने उनकी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि हम जल्दी वैकेंसीज निकालेंगे। तो इसके बाद हमारे जो साथी थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर, आश्वासन तो मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है कि वैकेंसीज निकलेंगी, ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर, आप हमारे लिए कुछ करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इन टीचर्स के साथ ऐसा गलत क्यों है। तो ये सारी चीजें वहां पे हुई हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही इस पर विचार करूंगा और जो जेबीटी पास टीचर्स हैं, जिन्होंने जेबीटी कर रखी है, एचटेट पास हैं, उनके लिए जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है। और वैकेंसीज के लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, जल्द ही हम काम करने वाले हैं। तो साथियों, देखते हैं क्या होता है। आश्वासन पहले भी दिया गया था, अब भी दिया गया है, और इसके बाद साथी बोल रहे हैं कि अगर फिर भी कोई काम नहीं होता है तो फिर वो अलग अपना स्टेप लेंगे, हो सकता है भूख हड़ताल पे जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट उनकी समस्या पर बहुत अच्छे से विचार करेगी, इन चीज़ों की नौबत नहीं आएगी। तो साथियों, इसके बाद बता देना चाहता हूँ, कल केवीएस ने पीआरटी एंड टीजीटी के जो रिजल्ट थे वो डिक्लेयर कर दिए, और जिन साथियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो आराम से अपना जो भी रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आई है, उसमें अपना आप रिजल्ट देख सकते हैं। और जो कट ऑफ का आइडिया है वो 95 के अराउंड है, 94-95 के अराउंड है। तो जो साथी सिलेक्ट हुए हैं सभी को शुभकामनाएं। और इसके बाद बता देना चाहता हूँ, जल्द ही कुछ न्यू वैकेंसीज भी आने वाली हैं, उसके लिए भी आप मेहनत करते रहें। और DSSB ने भी कल एक रिजल्ट डिक्लेयर किया है, वो आपने देख लिया होगा, मैंने वीडियो डाल दी थी उसके बारे में। तो लग रहा है कि रिजल्ट जल्दी ही आने वाले, लेकिन DSSB का काम क्या है कि वो बहुत पुराने रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं। तो ये सही बात है कि DSSB रिजल्ट बना चुका है, लेकिन उन्हें अपलोड बहुत धीरे धीरे कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद यही है कि आने वाला जो वीक है इसमें कुछ और रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो हम फिर एक स्टेप लेंगे, और उम्मीद ये भी है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आई होंगी। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।